इसी क्रेज के चलते आज हमारे शो पे फिल्म विक्रम वेदा की स्टार कास्ट आ रही है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले बुलाते हैं मिस्टर सैफ अली खान एंड राधिका आपटे। सैफ सर, राधिका, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सैफ सर हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, राधिका आप पहली बार आई हैं। थैंक यू। अच्छा, हर बार आपसे बातचीत होती है टीम की, फिर आप कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। जब तक एक फिल्म की प्रमोशन करने का टाइम आता है, दूसरी की शूटिंग में निकल जाती है। फाइनली आप यहाँ पे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कब से सर आप बड़े स्टाइलिश लग रहे हो हमेशा की तरह। थैंक यू सर, बहुत सोच समझ के कपड़े पहन के। अच्छा सैफ सर खुद तो स्टाइलिश हैं, अभी इन्होंने ना अपना एक ब्रांड शुरू किया है, हाउस ऑफ पटौदी के नाम से क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया है। Wow, तो really? सर आज तक पटौदियों ने जितने कपड़े पहने हैं वही मिलते हैं वहाँ पे? या नए भी मिलते हैं? मतलब पुराने कपड़े नहीं, मैं हाँ मतलब कौन से वाले कपड़े मिलते हैं? नहीं नहीं नहीं, सब नए कपड़े मिलते हैं, और जो कपड़े बिकते नहीं मैं पहन लेता हूँ। अच्छा, मैंने जब नया नया नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया ना, मैंने आपको इतना देखा राधिका उस पे, मुझे पहले पहले लगता था नेटफ्लिक्स का लोगो आप ही हो। इतना काम करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि वो अपनों आपसे अपना पासवर्ड शेयर कर लेते हैं कि तुम फ्री में देखो? मैं 600 रुपए भरती हूँ। तो कैसे करती हैं आप 600 रुपए का सब्सक्रिप्शन? करोड़ रुपए कमा के 600 रुपए खर्च करना कितना मुश्किल लगता होगा आपको। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा सैफ सर, जब सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे आए ना, सेक्रेट गेम्स में आए, इनके साथ राधिका थी, अब ये विक्रम वेदा कर रहे हैं आपके साथ, अगेन राधिका हैं, तो सर नेटफ्लिक्स आपको खुद लेने आया था कि राधिका लेके गई थी? इन्होंने रास्ता दिखाया था मुझे, मैं तो तुम्हारे यहाँ आ रहा था। उन्होंने बोला यहाँ भी रास्ता है, पैसे भी मिलते हैं उस प्लेटफॉर्म में, तुम्हारे यहाँ आके तुम्हें। राधिका आपको मिलकर बड़ी खुशी हो रही, सीरियसली मतलब पहली बार आप हमारे शो पे हैं, इतने कमाल कमाल के किरदार राधिका ने निभाए हैं, कई कई तो किरदार इन्होंने ऐसे बोल्ड निभाए हैं कि इनकी स्क्रॉल करते करते सामने फोटो आ जाए ना, बंदा फटाफट म्यूट कर देता कि पता नहीं कुछ बोलना दे। राधिका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रियल लाइफ में आप शांत हैं कि किस प्रकार का आपका, ताकि मैं उस हिसाब से अगले सवाल पूछूं। आप बताइए। हमसे पूछिए क्या? आप बता दीजिए। नहीं, बहुत अच्छी हैं, एनर्जी उनकी है बहुत, कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करती हैं, कभी कभी बातें ही नहीं करती हैं। अच्छा, तो वेरी इंटरेस्टिंग लाइक दैट। राधिका शादी हो गई आपकी? जी। अच्छा चलो फिर फिल्म की बात करते हैं, ऐसा है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बुलाते हैं फिल्म विक्रम वेदा के दूसरे अहम किरदारों को, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर शारिब हाशमी, सत्यदीप मिश्रा, रोहित सराफ एंड योगिता बिहानी। वेलकम सारे भाई, कैसे हैं सर? हाय योगिता। हेलो। हेलो रोहित, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए, बैठिए। सारे भाई कैसे हैं आप? जबरदस्त, इतना अच्छा कभी नहीं था। सीरियसली? अच्छा मैंने सुना जब आप पिछली बार हमारे शो पे आए थे, उसके बाद जब टेलीकास्ट हुआ आपके 220 फॉलोवर बढ़ गए इंस्टा पे। सीरियसली? आपने 20 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, 200 बढ़ गए। शारिब बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, आप सब जानते ही हैं। शारिब हाशमी आपको पता है, सैफ भाई हाशमी नाम से एक और भी हमारी इंडस्ट्री में कलाकार हैं जिनका प्रेम दृश्यों में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमेशा। ऊपर वाला भेदभाव देखिए कैसा करता है सैफ सर, ये भी हाशमी वो भी हाशमी, लेकिन उनका प्रेम दृश्यों में काफी योगदान है, और ये मनोज वाजपेयी साहब के साथ सड़कों पे घूम रहे हैं, क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं गर्मी में। तो जो भी आप करते कमाल करते हैं शारिब भाई। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा योगिता को जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं, फर्क सिर्फ इतना है पहले एक बार देखने आई थी और आज ये गेस्ट बन के आई हैं। क्या बात कर रहे हैं, सीरियसली? हाँ योगिता, आई थिंक 5 साल पहले की बात है, वी वर शूटिंग विद दिलजीत और तब ये ऑडियंस में आई थी, और हमें इसलिए भी याद है क्योंकि इन्होंने कोई डांस मोमेंट भी किया। Yes. तो कैसा लगता है आपको ये वाली कुर्सी से उठ के गेस्ट वाली कुर्सी तक आने का सफर? बहुत अच्छा लगता है। इसके आगे और क्या प्लानिंग है आपकी? प्लान ये कि वो चेयर से यहाँ आ गई हूँ। हाँ। अब वो चेयर ले लेती हूँ। ओह गुड। रोहित ने टीवी पे एक सीरियल किया एक बूंद इश्क,
फिर वेब सीरीज की फील लाइक इश्क, और अभी इनकी एक और आने वाली फिल्म, इसका नाम है इश्क विश्क रीबाउंड। तो स्क्रिप्ट में जो आपका मेन्यू है इश्क तक सीमित रहता है कि आप ऐसे कॉमेडी क्राइम थ्रिलर भी पसंद करते हैं? नहीं, मैं इश्क प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वो करने में बहुत मजा आता है। रियल लाइफ में नहीं है ना, तो रियल लाइफ में तो होनी चाहिए। अच्छा, रियल लाइफ में है ही नहीं। सत्यदीप साहब, इनके बारे में बता दूं कि ये एक्टर बनने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं। आई डिड नो दिस। तो सत्यदीप, मैं एक बात पूछने जाता हूँ। जब आप फिल्मों में आए तो आपने प्रोड्यूसर को ऑडिशन दिया था कि नोटिस दिया था? मतलब कैसे सोचा आपने? ऐसे कौन से एक्टर का अकाउंट देख लिया था आपने कि जो आपको लगा कि नहीं यार फिल्मों में जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ये गूगल पे थोड़ा इनकरेक्ट है। मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था। अच्छा, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं ज्वाइन किया था। लेकिन ये किसी फैन नहीं, मैं 10 महीने ट्रेनिंग करके मैं वापस, मैं वकील था 11 साल। अच्छा जी, इतने स्टार से मिले थे इनकम टैक्स करते हुए। सैफ सर के साथ काम कर रहे हैं और उनको पता चल जाए कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर है तो ये तो कभी भी पटौदी पैलेस लेके नहीं जाएंगे। मुझे अवार्ड मिलते हैं, पता है तुमको, अवार्ड मिलते हैं इनकम टैक्स से। आई एम अ गुड सिटीजन। आई नो सर, तभी तो हम लोग खुल के बात करते हैं। आपने सैफ सर की पिछली कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा, भूत पुलिस में ये भूत पकड़ रहे थे, बंटी और बबली में नकली बंटी और बबली को पकड़ रहे हैं, इस फिल्म में ये ऋतिक साहब को पकड़ रहे हैं। मैंने देखा पकड़ने में काफी एक्सपर्ट है। तो सर, आपके फार्म हाउस पे जब आप जाते हैं, मुर्गियां जो होती हैं उसको खुद पकड़ते के बंदे रखे हुए हैं? उसके लिए मुर्गा रखा है मैंने। आपने देखा सैफ सर ने जितने भी फिल्म में सीन है हर जगह गन पकड़ी हुई है, जहां जहां गन नहीं पकड़ी है वहां वहां राधिका को पकड़ा हुआ है। सही बात है। सारी बात ये आपका असूल है कि हाथ खाली नहीं रहने चाहिए। इनफैक्ट इस पिक्चर में बहुत एक्साइटेड था क्योंकि एक मैंने गन और राधिका दोनों को पकड़े थे इसमें। ओहो, वाओ, सो हार्ड वर्किंग यू आर सर। थैंक यू सर। आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला बोले थे कपिल शर्मा का मुंह से एक बार नाम बुलवा देना। अच्छा। तो हम बुलवा दे, चाचा जी नाम बुलवा दिए हैं, QR कोड आपको भेजे हैं, देख लीजिएगा थोड़ा। हम अपना इंडक्शन दे देते हैं आपको। इंडक्शन? हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। मत क्या कर तू। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, वही मेडिसिन रिएक्शन कर गई इसको। वैसे आप कैसे हैं शराब जी? शराब नहीं, शारीब। अरे पर नसीली आंखें तो देखिए। किसी को तो लगी। शराब से कम नहीं है, 2 मिनट लगातार किसी को देख लें तो चखना खाने का दिल करने लगता है। आपको आधा हाथ भी दिख रहा है शायद दूसरा। नहीं नहीं, ऐसा मत देखिए हमें प्लीज, हमें ऐसे मत देखिए, पूरा टल्ली करेंगे क्या हमें? हाय रोहित जी। हाय रोजी, आप थोड़ा हैंडसम होते ना। थोड़ा तो कितना तो हैंडसम है वो। नहीं नहीं, वही तो प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो आप उस नजर से थोड़ा थोड़ा हमें देखते, फिर जिस नजर से ये सत्यदीप जी अर्चना जी को देख रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन अभी इस नजर से देखने का फायदा नहीं है हमें। क्यों? हमारा तय हो रहा है रिश्ता। किसके साथ हो रहा है? हमारा मम्मी पापा जो है गया हुआ है लड़का के घर पे देखने के लिए, हमारा बात चल रहा है। लड़का बहुत ही अच्छा है, आप लोग का एंटरटेनमेंट प्रोफेशन से है, बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है। किसको डांस सिखाता है? वो बंदर को, मदारी है ना। जू बीच पर ऐसा डमरू बजा के डांस सिखाता है। लेकिन कितना नेक काम है आपको बताइए, ये जालिम दुनिया में एक बेजुबान जानवर को स्टार बना रहा है, अच्छा बात है कि नहीं? अच्छा बात है, और जुबान वाले जानवर को बीवी भी तो बना रहा है। नहीं
राधिका जी आप ही सोचिए कितना अच्छा रहेगा, हम हमारे वो बंदर तीनों साथ में रहेंगे, बंदर प्री में हमारे लिए केला ले आएगा, अमरूद ले आएगा, हरा सारा सामान, कुछ खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है। तो बंदर से शादी कर ले, तेरी जुआ भी निकाल देगा वो। बंदर ले आएगा, वो ले आएगा। कर लेते, लेकिन हमारे अपने वो को हम धोखा नहीं दे सकते। कौन वो को धोखा? अरे वो जो हाँ, एक कोरियोग्राफर। क्या हो रहा है? फोन बज रहा है, हमारा वाइब्रेशन पे है ना, हमारा फोन बज रहा है। मम्मी का फोन है हमारे, एक मिनट। हेलो मम्मी, रिश्ता पक्का हुआ क्या? ना कह रहे हैं, एक बार उनसे बात कराइए। हेलो हेलो हेलो, ये इस तरह ना जल्दबाजी में रिश्ता ऐसा कैंसिल नहीं करते हैं। देखिए शादी ब्याह का मामला है, आराम से बैठ के बात करते हैं। अब बोलिए। नहीं नहीं, लगती नहीं है वो, तो किसी ने ऐसा वो भालू का कोई फिल्टर लगा के हमारा फोटो ले लिया होगा, ऐसा लगते नहीं है। आपने माझी फिल्म देखा है? थोड़ा नवाजुद्दीन की नजर से हमको देखिए, एकदम राधिका आपटे लगेंगे। अरे कोशिश तो कीजिए, ऐसा नहीं करना है। शादी पक्का है, लॉक कर दे तो हमारा भी एक बात सुन लीजिए। हमको नहीं करना है। अरे बेजुबान जानवर का कमाई पे जीने वाला आदमी हमको क्या रखेगा? ऐसे आदमी से शादी नहीं करना है हमें। बहुत लड़के मिल जाएंगे, बहुत रिश्ते आएंगे। तेरे लिए कोई रिश्ता विश्ता नहीं आने वाला, समझे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।